हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ESIC हॉस्पिटल में कितनी वैकेंसीज है उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, नोटिस देख रहे हैं, वो कहाँ से आया है? तो आज 4 जो है अगस्त 2022 का ये डॉक्यूमेंट है। कौन सी जो डिपार्टमेंट से आया है, तो देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो डिपार्टमेंट है। राज्यसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके जवाब में ये जो आंसर दिया गया है। तो हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं, उन्होंने पूरा बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज डिफरेंट जो डॉक्टर्स की हैं और स्टाफ नर्स की हैं और डिफरेंट नर्सिंग ऑफिसर्स की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्टेट वाइज आपको पूरी डिटेल दी है कि कितनी वैकेंसीज है। यहाँ आप देख सकते हैं आसाम के अंदर जो है आपके टोटल 56 पोस्ट सेंक्शन है, जिसमें से 47 जो है, 47 जो पोस्ट है वो अभी भरी हुई है, 9 वैकेंसी यहाँ पर खाली है। बिहार में देख सकते हैं 195 जो है सेंक्शन पोस्ट है, जिसमें से 72 पोस्ट अभी फिल है, जिसमें से 123 की यहाँ पर वैकेंसी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, यहाँ पर 79 पोस्ट सेंक्शन है, जिसमें से 17 भरी हुई है और 62 जो है, 62 पोस्ट अभी खाली है। दिल्ली में बात की जाए तो 990 पोस्ट टोटल है, जिसमें से 659 पोस्ट अभी भरी गई है और 331 पोस्ट जो है खाली है। गुजरात की बात की जाए तो यहाँ देखिए 260 पदों पर कुल टोटल पद हैं, जिसमें से 107 पद जो हैं भरे हुए हैं और 153 पद अभी खाली हैं। हरियाणा की बात की जाए तो 392 पद जो हैं टोटल हैं, जिसमें से 137 पद अभी भरे हुए हैं और 255 पद जो हैं खाली हैं। हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ 69 पोस्ट हैं, जिसमें से 31 पोस्ट जो हैं अभी भरी हुई हैं और 38 पोस्ट है जो खाली है, यानी वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ 51 पोस्ट है, जिसमें से 39 पोस्ट जो है अभी भरी हुई है और टोटल 12 पोस्ट जो है खाली है। झारखंड की बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं आप 113 जो है टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से 67 पोस्ट भरी हुई हैं और 46 पोस्ट जो है यहाँ पर खाली है। नेक्स्ट बात की जाए कर्नाटक की, कर्नाटक के बात की जाए तो यहाँ 548 पद जो हैं टोटल हैं, जिसमें से 285 पद भरे हुए हैं और 263 पद लगभग खाली हैं। यहाँ बात की जाए केरला की, तो केरला की बात करें 240 पद जो हैं टोटल हैं, जिसमें से 105 पद जो हैं भरे हुए हैं और 135 पदों पर भर्ती अभी निकाली जानी है। नेक्स्ट बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 117 जो पद हैं टोटल है, जिसमें से 71 पदों पर अभी वैकेंसी फिल है और टोटल 46 पदों पर अभी पद खाली पड़े हैं। नेक्स्ट बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 353 पद जो हैं टोटल सेंक्शन है, जिसमें से 149 पद भरे हुए हैं और 204 पद जो हैं अभी खाली हैं। नेक्स्ट बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा के अंदर 109 पद जो हैं टोटल सेंक्शन हैं, जिसमें से 33 पद जो हैं भरे हुए हैं और यहाँ पर 76 पदों पर वैकेंसी है। बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में है 48 पद जो हैं टोटल है, जिसमें से 41 पद जो हैं पोस्ट जो हैं भरे हुए हैं और 7 पद यहाँ पर खाली हैं। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में देखिए यहाँ पर 101 पद जो हैं टोटल सेंक्शन है, जिसमें से 48 पदों पर पद भरे हुए हैं और 53 पद यहाँ पर खाली हैं। राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ देखिए आप 312 पद जो हैं टोटल हैं, जिसमें से 134 पद ही भरे हुए हैं और 178 पदों पर वैकेंसी है। तमिलनाडु में बात की जाए तो तमिलनाडु में देखिए आप 310 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें 156 जो हैं पद भरे हुए हैं और 154 पद जो हैं खाली हैं। तेलंगाना में देख सकते हैं आप 318 जो है पद टोटल सेंक्शन है, जिसमें से 110 जो है, सॉरी 130 पद जो है भरे हुए हैं और 188 पद जो है यहाँ पर फिल
वैकेंट हैं। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर 288 पद जो है भरे हुए हैं, जो सॉरी टोटल जो है पद 288 हैं, जिसमें से 148 पद जो हैं भरे हुए हैं और 140 पद यहाँ खाली हैं, जो वैकेंसी है। उत्तराखंड की बात की जाए, टोटल पोस्ट जो है 41 है, जिसमें से केवल 9 पद भरे हुए हैं और 32 पद जो हैं खाली हैं। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो यहाँ भी टोटल जो पोस्ट हैं 248 है और 124 पद जो हैं खाली हैं और 124 पदों पर पद भरे हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल जो पोस्ट है कितनी है, यहाँ पर 2629 पद जो है यहाँ पर खाली हैं, जिसमें यहाँ पे स्टार मार्क लग के बताया गया है कि 1700 जो पद हैं डॉक्टर्स के हैव बीन हायर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट दीज वैकेंसी स्टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेट। तो 1700 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पर 2629 पद जो हैं खाली हैं। नेक्स्ट जो इन्होंने टेबल दी है, जिसमें बताया गया है कि नर्सिंग ऑफिसर जो है ग्रुप बी के कितने टोटल पोस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर कितने पद जो हैं खाली हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की बात की जाए, टोटल 4 पदों में से 4 पद भरे हुए हैं, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरी बात की जाए आसाम की, तो आसाम में भी आप देख सकते हैं टोटल 34 पद जो हैं वहाँ पर इन पोजीशन 40 हैं, यहाँ पर पद जो हैं ज़्यादा लगाए गए हैं। बिहार की बात की जाए, 196 पदों में से केवल 79 पद जो हैं भरे हुए हैं, 117 पद जो हैं वैकेंट हैं। नेक्स्ट बात की जाए छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पे 86 पद जो हैं टोटल हैं, जिसमें से 12 पद जो हैं भरे हुए हैं और 74 पद जो हैं यहाँ पर खाली हैं। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर 1183 टोटल पोस्ट है, जिसमें से 672 पद जो हैं भरे हुए हैं और 511 पद जो हैं अभी खाली हैं। हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर 2 पोस्ट हैं वहाँ जो है टोटल पोस्ट जो है भरी हुई है दोनों की दोनों। गुजरात की बात की जाए, गुजरात में देखिए आप 293 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से 196 जो पोस्ट हैं वो भरी हुई हैं और 97 पोस्ट जो हैं खाली हैं। हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं आप 60 पद जो हैं टोटल हैं, जिसमें से 48 पद यानी 48 पद जो हैं भरे हुए हैं और 12 पद खाली हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं आप 39 पोस्ट जो हैं सेंक्शन है टोटल, जिसमें से 25 पद भरे हुए हैं और 14 पद खाली हैं। झारखंड की बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं 69 जो है टोटल पोस्ट है, जिसमें से 52 पद भरे हुए हैं और 17 पद खाली हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं 535 पद टोटल है, जिसमें से 357 पद जो हैं भरे हुए हैं और 178 पद खाली हैं। नेक्स्ट बात की जाए केरला की, तो यहाँ आप देख सकते हैं 196 पद जो हैं टोटल सेंक्शन हैं, जिसमें से 257 पद भरे हुए हैं, यानी यहाँ पर वैकेंसी से ज़्यादा भरी हुई है सीटें। नेक्स्ट देख सकते हैं मध्य प्रदेश, जहाँ देख सकते हैं आप 115 पदों में से 112 पद भरे हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 की वैकेंसी है। महाराष्ट्र में 230 जो है टोटल पोस्ट है, इसमें से 134 भरे हुए हैं और 96 पद खाली हैं। ओडिशा में देख सकते हैं आप 87 टोटल पोस्ट है, जिसमें से 33 जो है भरे हुए हैं और 54 जो पद हैं खाली हैं। पंजाब में बात की जाए 162 जो हैं टोटल पोस्ट है, जिसमें से 127 पोस्ट जो हैं भरी हुई हैं और 35 पद यहां पर भी खाली हैं। राजस्थान की बात की जाए 365 पद हैं, जिसमें से 124 पद भरे हुए हैं, टोटल 241 पोस्ट जो है खाली है। नेक्स्ट बात की जाए तमिलनाडु, 301 पद जो हैं यहाँ पर टोटल हैं, जिसमें से 175 पद जो हैं भरे हुए हैं, यानी 126 पद यहाँ भी खाली हैं। तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ जो है 448 पद जो हैं टोटल हैं, जिसमें से 124 पद भरे हुए हैं और 324 पद जो है यहाँ पर खाली हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए 171 पद जो हैं टोटल
टोटल पोस्ट हैं और 145 पद यहाँ भरे हुए हैं और 26 पद जो यहाँ पर खाली हैं। वेस्ट बंगाल का आप देख सकते हैं यहाँ पर 175 पद जो हैं टोटल हैं, जिसमें से 134 पद भरे हुए हैं और टोटल 41 पोस्ट जो है यहाँ पर भी खाली है। नेक्स्ट बात करें उत्तराखंड की, जिसमें 43 पोस्ट जो हैं टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से केवल 3 भरी हुई हैं और 40 पोस्ट जो हैं यहाँ पर खाली हैं। यहाँ देख सकते हैं आप 1939 जो है टोटल पोस्ट हैं आपकी यहाँ डिफरेंट जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जिसमें आपके लिखा गया है कि 1314 पोस्ट जो है नर्सिंग ऑफिसर आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाए गए हैं। ठीक है, जब तक कि आपकी वैकेंसी नहीं होती है तब तक आपको तो ये लगाए गए हैं यहाँ पर। तो आपकी टोटल पोस्ट जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 1939 पदों पर भर्ती होगी, तो यहाँ पर इतनी वैकेंसीज हैं, तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ पर डिटेल्स ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ग्रुप बी एंड सी के बारे में बात करें, तो यहाँ भी जो वैकेंसीज हैं बहुत वैकेंसी हैं। देख सकते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो है कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, और आसाम में देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 वैकेंसी है, बिहार में देखिए तो 175 की वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ की देखिए तो यहाँ पर 48 वैकेंसी है, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर 550 की वैकेंसी है, और हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर 5 वैकेंसी है, गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पर 143 की वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 15 की वैकेंसी है, जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर 26 वैकेंसी है, और झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर 30 वैकेंसी है, कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ देखिए आप 22 122 पोस्ट हैं टोटल खाली हैं, एक और केरला की बात की जाए तो यहाँ 33 पोस्ट जो हैं खाली हैं, मध्य प्रदेश में देखिए 4 पोस्ट खाली हैं, महाराष्ट्र में 111 पोस्ट खाली हैं, ओडिशा में आपके 70 पोस्ट खाली है, पंजाब में 71 पोस्ट खाली हैं, राजस्थान में 190 पोस्ट खाली हैं, तमिलनाडु के अंदर देखिए 80 पोस्ट खाली हैं, और तेलंगाना में आपके 223 पोस्ट जो हैं यहाँ खाली हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि 78 पोस्ट टोटल खाली हैं, और वेस्ट बंगाल में आपके 128 पद जो हैं खाली हैं। नेक्स्ट उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ 53 जो है टोटल पोस्ट खाली हैं। टोटल हम पूरे भारत में बात करें तो 2162 जो पद हैं वो खाली हैं। यहाँ आपको बताया गया कि 2105 पद जो हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पर लगाए रखा है, जब तक कि कोई वैकेंसी नहीं हो जाती है। पूरा जवाब दिया गया है आपको राज्यसभा के अंदर, तो आप अपनी जो वैकेंसीज है यहाँ देख सकते हैं अपने स्टेट के अंदर। जिन जिन विद्यार्थियों को ये पता नहीं था कि हमारे स्टेट में वैकेंसी है या नहीं है, या एनसीआर जो आपके ईएसआईसी है उसकी नर्सिंग ऑफिसर की टोटल कितनी वैकेंसीज है ताकि हम तैयारी उसके लिए जारी रखें या नहीं रखें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी वैकेंसी बिल्कुल 1939 पदों पर है, डॉक्टर्स की विभिन्न अलग अलग पदों पर है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। इसी तरीके की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।